पियो मजाक। और उस स्ट्रैटेजी के जो फाउंडर आचार्य हैं वो है भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी। द फाउंडर आचार्य ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ डूइंग बिजनेस ऑफ कृपा इज जगन्नाथ स्वामी। इसलिए आप देखेंगे केवल पृथ्वी में एक ही ऐसा मंदिर है, जगन्नाथ जी का मंदिर, जहां पे भगवान जब भोग लग रहा है भगवान को, दरवाजा बंद नहीं होता है, हर समय दरवाजा खुला रहता है। भगवान का भोग लगाते समय भी दरवाजा बंद नहीं होता है। भगवान का ड्रेस चेंज करते समय भी, जब श्रृंगार होता है उस समय भी दरवाजा बंद नहीं रहता है। आप इस्कॉन मंदिर में या अभी कोई भी मंदिर में आई है, जब भगवान का विग्रहों की श्रृंगार होता है, मतलब अंग राग होता है, ड्रेस बदलता है, तो बंद हो जाता है कवच, दरवाजा बंद हो जाता है और दरवाजा बंद होके सब कुछ होता है। पर जगन्नाथ जी का कृपा का बिजनेस ऐसा है, भगवान कृपा इतना देना चाहते हैं कि राउंड द क्लॉक 24/7 भगवान अवेलेबल है उनकी कृपा देने के लिए। खाते समय भी दर्शन दे रहे हैं, ड्रेस पहनते समय भी दर्शन दे रहे हैं, और वो भी उनका कृपा इतना सुलभ तरीके से, कोई भी आके भगवान की प्रसाद खा के उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह दिन भर भगवान दर्शन देते हैं जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ जी अपना कृपा देते हैं, और रात में फिर सारे भक्तों को बाहर निकाल दिया जाता है मंदिर से, और रात में देवता लोग आते हैं दर्शन लेने के लिए। तो जगन्नाथ जी कृपा बांटते 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 सबको प्रसन्न कर लेते हैं, पर एक व्यक्ति दुखी हो जाता है, और वो व्यक्ति है लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी सोचती हैं कि अरे मेरी पति का तो क्या हो गया। जैसे कोई पत्नी पति को देखता है, पूरा जॉब में 24/7 लग जाता है, तो वर्कहोलिक हो गया है, तो लक्ष्मी देवी को लगता है कि मेरे पति तो कृपाहोलिक हो गए, और कृपा देख के देख के देख के मेरे को बिल्कुल समय नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल समय नहीं है मेरे पास, फैमिली टाइम है ही नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस का कोई कल्चर ही नहीं है जगन्नाथ जी का। कहां मैं खीर सागर में हम दोनों कितना अच्छा रोमांटिक होके रहते थे, कहां ये जगन्नाथ पुरी आ गए, पुरुषोत्तम श्री क्षेत्र आ गए और समुन्दर के किनारे आ गए, तो लोग ऐसे पकड़े मेरे पति को, बिल्कुल समय नहीं दे रहा है। तो ये जो लक्ष्मी जी का मनोभाव है, इस मनोभाव से सृष्ट होता है रथ यात्रा का महोत्सव। तो लक्ष्मी देवी, ये उनकी दुख है, वेदना है कि भगवान मेरे को पर्सनल समय नहीं देते हैं, मैं पत्नी हूं, भगवान सबको समय देते हैं, देवताओं को देते हैं, ब्राह्मणों को देते हैं, जो भी भक्त को देते हैं 24/7 देते हैं, मेरे पास समय नहीं। तो ये मनोवृत्ति को साकार करने के लिए, ये मनो की इच्छा जो लक्ष्मी देवी का साकार करने के लिए, जगन्नाथ जी पहला जो लीला करते हैं इस रथ यात्रा की प्रणाली में, वो है स्नान यात्रा। तो आज से कुछ दिन पहले, शायद 4 तारीख को, आज शायद 8 तारीख है, 4 तारीख को स्नान पूर्णिमा हुआ था जगन्नाथपुरी में, जहां पे जगन्नाथ जी को लेके आते हैं स्नान वेदी, मंदिर के प्रांगण में एक स्नान वेदी है, वहां पे रख के जगन्नाथ जी को स्नान किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर में एक कुआं है, देयर इज अ वेल विच इज कॉल्ड सुना कुआं। तो उस कुएं से पानी केवल साल में एक बार निकलता है इस स्नान पूर्णिमा के दिन, और उस 108, जैसे हम एक बार दो बार तीन बार चार बार स्नान करते हैं तो बीमार पड़ जाएंगे, भगवान 108 बार स्नान करते हैं स्नान पूर्णिमा के दिन, और जैसे ही स्नान करते हैं भगवान, और भगवान का बुखार आ जाता है, स्नान पूर्णिमा के रात और रात भगवान को बुखार आ जाता है। तो लक्ष्मी देवी तुरंत जगन्नाथ मंदिर में, वैद्य लोग हैं जगन्नाथ जी के, तो लक्ष्मी देवी वैद्यों को बुलाती हैं, और वैद्य लोग जैसे ही लगाते हैं, और सही में बहुत सारे पुजारी लोग, जब जगन्नाथ, अभी जो इस दौरान जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं, तो वैद्य लोग बताते हैं कि जगन्नाथ जी का जो शरीर है
वो सही में गर्म हो जाता है। तो आज के कक्षा में हम देखेंगे कि जगन्नाथ जी बीमार क्यों पड़ते हैं, और जगन्नाथ जी बीमार पड़ने से हम उनकी बीमारी से क्या सीख सकते हैं। तो ये आज की कक्षा का प्रसंग होगा। ये रथ यात्रा का उत्सव का प्रारंभ उत्सव है, जो है स्नान पूर्णिमा उत्सव। तो जब जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं तो वैद्य लोग सब आ जाते हैं, लक्ष्मी देवी को बोलते हैं, लक्ष्मी देवी एज ए वाइफ हु इज वेरी वेरी कंसर्न अबाउट हर हस्बैंड, सी इज वेरी वेरी कंसर्न, पूछने लगती है डॉक्टर लोगों को क्या होगा, क्या हो गया, क्या हो गया। सारे वैद्य लोग टेम्परेचर नापते हैं और बोलते हैं बाप रे बहुत बड़ा बुखार हो गया, इनको तो उतारना पड़ेगा नीचे से, और कितना देर से वो खड़े हैं, साल भर खड़े हैं, तुरंत उतार के भगवान को सुला देते हैं, उनके जितने सारे मोटा मोटा कपड़ा है सब उतार देते हैं और हॉस्पिटल ड्रेस पहना देते हैं और उनको आईसीयू में दे देते हैं और जगन्नाथ जी को नर्स दे देते हैं जो लक्ष्मी देवी। तो 15 दिन तक जगन्नाथ जी आईसीयू में रहते हैं, और पहला जो कारण है जगन्नाथ जी आईसीयू में रहने का वो है लक्ष्मी देवी को स्पेशल टाइम देना। तो ये जो क्वारंटाइन का महोत्सव हमने मनाया कोविड के समय, वो जगन्नाथ जी कहां कब से मना रहे हैं? तो सब कुछ जगन्नाथ जी से आ रहा है, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, सिक रूम कल्चर, ये सब हमने जो कोविड में सुना ये भी जगन्नाथ जी से। सब कुछ भगवान तो सबके सृष्टि करता है, स्वामी है, तो भगवान क्वारंटाइन में चले जाते हैं और पूरा दर्शन बंद हो जाता है सबके लिए। वैद्य लोग प्रेस्क्रिप्शन में लिखते हैं नो मीटिंग्स, नो दर्शन, नो फोन कॉल, ओनली इन द सिक रूम। तो जगन्नाथ जी को सुला दिया जाता है, उनको ये जो मोगरा का फूल है और अलग अलग सफेद फूल है उनको दिया जाता है, और फिर भी जगन्नाथ जी का कपड़ा बदलने के बाद, सफेद कपड़ा पहनने के बाद, जगन्नाथ जी का सर के ऊपर जो गर्मी है, शरीर में गर्मी है, वो कम नहीं होता है। तो लक्ष्मी देवी वैद्यों को पूछते हैं कि कैसे ये कम होगा। तो वैद्य लोग जगन्नाथ जी का शरीर में एक मलम देते हैं, जो है एक तिल का तेल है जिसका नाम है फुलुरी तेल। आप अगर पूरी जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो इस दौरान जो अभी स्नान पुण्यमय से रथ यात्रा के 15 दिन तक जगन्नाथ जी को फुलुरी तेल में मालिश किया जाता है। तो ये फुलुरी तेल जो है ये बहुत ही विशेष तेल है। ये तिल का तेल में बहुत अलग 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 जड़ी बूटी डाल के 1 साल पहले इसको दफनाया गया था। एक जगह है जगन्नाथपुरी में जहां पे मट्टी की हंडी में तिल का तेल में बहुत सारे जड़ी बूटी डाल के उसको दफनाया जाता है। मतलब यू डिग ए होल, बिग होल, एंड अंडर द ग्राउंड इट इज डग बरीड फॉर 1 ईयर, एंड 1 साल दफनाने के बाद स्नान पूर्णिमा के दिन या अगले दिन इस तेल को निकाला जाता है, उस तेल से जगन्नाथ जी का मालिश किया जाता है, एंड इट एक्ट्स लाइक समथिंग ऑफ टुडेज वर्ल्ड, पैरासिटामोल टू रिड्यूस डाउन द फीवर। सो जगन्नाथ जी पैरासिटामोल लेते हैं, जो है फुलुरी तेल का मसाज, जिससे उनका जो शरीर की जो तापमान है वो कम हो जाने लगता है, और तुरंत वैद्य लोग लक्ष्मी जी को बोलते हैं खाली पैरासिटामोल से नहीं होगा, फ्लूइड भी देना पड़ेगा, अदरवाइज ही विल फील डिहाइड्रेटेड। तो इसीलिए जगन्नाथपुरी में ये 15 दिन जगन्नाथ जी को एक स्पेशल लिक्विड दिया जाता है जिसका नाम है अणवसर पणा। तो पणा मतलब जूस, और हिंदी में उसको पाना बोलते हैं। अणवसर मतलब भगवान का आइसोलेशन पीरियड, अणवसर मतलब क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन पणा जगन्नाथ जी को ऑफरिंग किया जाता है, जिससे लक्ष्मी देवी जगन्नाथ जी को ये बार बार पिलाते हैं। वैद्य लोग बोलते हैं 2-3 घंटा में इसको पिलाते रहो, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा गर्मी के वजह से, फिर हरे कृष्णा जगन्नाथ जी ऊपर चले जाएंगे। तो लक्ष्मी जी डर के मारे बार बार अणवसर पणा पिलाते रहते हैं, फिर भी तापमान कम नहीं होता। तो सारे वैद्य लोग 2-3 दिन के बाद फिर से आते हैं, लक्ष्मी जी बहुत परेशान रहती हैं कि बुखार तो उतर नहीं रहा है, हम तो सब कर रहे हैं। तो वैद्य लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक देना ही पड़ेगा।
तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को एक एंटीबायोटिक दिया जाता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जिसका नाम है दस मूल मोदक। वो 120 टैबलेट्स रहता है पर, जैसे तीन है जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा, सबको 40-40 का कोर्स दिया जाता है। ऐसे काला काला घी, शहद और 10 प्रकार की जड़ी बूटी, जो 10 प्रकार की, क्योंकि सारे वैद्यों को पता नहीं चलता है कि भगवान को क्या बीमारी हुआ है, क्यों गर्म हो गए हैं शरीर, और तो इसीलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। जब पता नहीं चलता है कि कौन सा बैक्टीरिया से हुआ है तो उनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दिया जाता है, जिसका नाम है दस मूल मोदक। 10 प्रकार की बीमारियों को ठीक करके आपको मोदक, मतलब आनंद देने वाला जो एंटीबायोटिक है, वो भगवान को दिया जाता है। और फिर लक्ष्मी देवी को वैद्य लोग बोलते हैं कि मैं पूरा प्रेस्क्रिप्शन चार्ट बता रहा हूं, ताकि आप पता चले कि भगवान का क्या, ये 15 दिन में स्नान यात्रा में कैसे भगवान वो करते हैं। फिर लक्ष्मी देवी को बोला जाता है कि आप उनको 56 भोग, इतने सारे भोग नहीं खिला सकते हैं, आपको खड़ी रोटी खिलाना पड़ेगा। खड़ी मतलब आटा को गरम किया जाता है, पानी में उबाला जाता है, जैसे राइस को उबाला जाता है। सो द व्हीट फ्लोर इज बॉइल्ड इन वाटर एंड देन ए डो इज मेड, आटा का गोला बना जाता है, उसको खड़ी रोटी बोलते हैं। जो जो सब ओडिशा से हैं तो उनको पता है। तो जगन्नाथ जी को ये खड़ी रोटी दिया जाता है, बहुत सिंपल सा लो ऑयल डाइट में जगन्नाथ जी को 15 दिन रखा जाता है। तो इस तरह जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी से स्पेशल सेवा लेते हैं। लक्ष्मी देवी, क्योंकि उनकी मन की इच्छा था कि जगन्नाथ जी मेरे को स्पेशल टाइम नहीं देते हैं, 15 दिन में 10 दिन जगन्नाथ जी बीमार रहते हैं और 5 दिन भगवान जगन्नाथ जी ठीक हो जाते हैं, और 5 दिन अंत के जो 5 दिन दशमी तिथि से लेके अमावस्या प्रतिपदा तक जगन्नाथ जी ठीक हो जाते हैं, और 5-6 दिन लक्ष्मी देवी को अंतरंग समय देते हैं। इसीलिए इस दौरान जो ये स्नान पूर्णिमा से लेके रथ यात्रा तक जो समय है, इसको अनवसर बोला जाता है या फिर आइसोलेशन, और एक नाम भी इसका है निभृत। निभृत मतलब जहां पे जगन्नाथ लक्ष्मी देवी को स्पेशल समय देते हैं। तो जैसे आज हम बता रहे हैं कि भगवान क्यों बीमार पड़ते हैं, SICK, सिक। सो व्हाई लॉर्ड बिकम सिक, सो वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। फर्स्ट एस स्टैंड्स फॉर लॉर्ड वांट्स टू टेक स्पेशल सर्विस फ्रॉम लक्ष्मी देवी। एस स्टैंड्स फॉर स्पेशल सर्विस। सो लक्ष्मी देवी ऑफर्स स्पेशल सर्विस टू लॉर्ड जगन्नाथ इन दिस 15-day टाइम फ्रॉम स्नान यात्रा टू रथ यात्रा एंड टू रिड्यूस जगन्नाथ जी फीवर। सो जगन्नाथ जी टेक्स पैरासिटामोल और फुलरी तेल, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, 10 मूल मोदक, ही टेक्स फ्लूइड्स, अनवसरपणा, ही टेक्स ए लो ऑयल डाइट, खड़ी रोटी, एंड देन ऑल्सो देर द फीवर इज नॉट गोइंग, एंड देन लक्ष्मी जी इज वेरी कंसर्न एंड द वैद्यस आर वेरी कंसर्न, एंड देन सम ओझाज कम टू जगन्नाथ टेम्पल टू मीट लक्ष्मी जी। एंड दीज ओझाज आर पीपल जो झड़ा फूंका करते हैं, आपको पता होगा, जो झाड़ते हैं, भूत झाड़ देते हैं, एंड दीज पीपल दे टेल लक्ष्मी जी तुम्हारे जगन्नाथ को तो गलत बुरी नजर लग गया है, कोई तो आके उसको दर्शन किया है बुरा। सोचिए, द सुप्रीम लॉर्ड हु अवार्ड्स पॉजिटिविटी टू एवरीवन, उसको बुरा नजर लग गया है। तो दिस इज लव ऑफ लक्ष्मी। When there is love, it goes beyond logic. Logic से आप भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। You cannot obtain Lord's mercy, Lord's दर्शन by logic. Logic से, अपने दिमाग से आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, केवल प्रेम से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए ब्रह्म संहिता में बताया जाता है, वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभम आत्म भक्तो। भगवान वेद अध्ययन करो, पठन करो, ये करो, वो करो, भगवान का दर्शन आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पर अगर भगवान को प्रेम से आप भोग लगाएंगे, प्रेम से अगर उनका नाम उच्चारण करेंगे, प्रेम से अगर उच्चारण करेंगे, हे जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, जगन्नाथ
मेरे मेरे नयन को दर्शन दीजिए आपका स्वरूप का, तो जगन्नाथ जी आपको दर्शन देंगे। तो लक्ष्मी देवी गोज बियॉन्ड ऑल लॉजिक एंड लक्ष्मी कॉल्स ऑल द ओझास एंड दे डू लॉट ऑफ झड़ा फूंका इन जगन्नाथ टेम्पल इन दिस 15 डेज। दे पुट लॉट ऑफ इंसेंस, दे पुट लॉट ऑफ स्मोक सो दैट जगन्नाथ गेट्स रीड ऑफ हिज फीवर। सो ये 15 दिन में भगवान बीमार पड़ते हैं। सो फर्स्ट एस इज टू गिव स्पेशल अटेंशन टू लक्ष्मी देवी, एंड लक्ष्मी देवी की जो सेवायत होते हैं द नर्सेस ऑफ जगन्नाथ इन दिस टाइम दे आर कॉल्ड दैतापति। दैता मतलब दोज हु आर वेरी डियर टू जगन्नाथ। तो हाउ टू बिकम डियर टू जगन्नाथ, जगन्नाथ जी के पार्षद कैसे बनेंगे, अगर हम लक्ष्मी देवी की सेवा करेंगे। जगन्नाथ जी की सेवा करने से, जगन्नाथ जी का भक्त अपने आप को बोलने से हम जगन्नाथ जी का भक्त नहीं बन सकते। एक बार आदि पुराण में आता है अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान कैसे पता चलेगा कौन आपका प्रिय है, कौन आपका भक्त है। तो कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन जो बोलता है कि मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है। अगर मान लीजिए श्री निताय दास का परिचय पूछा जाए और श्री निताय दास बोलता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, तो श्री निताय दास कृष्ण का भक्त नहीं है। पर जो बोलता है कि मैं भक्तों का भक्त हूं, आई एम डिवोटी ऑफ द डिवोटी, वो एक्चुअली मेरा भक्त है अर्जुन। तो ये दैतापति लोग नर्स की तरह कार्य करते हैं और लक्ष्मी देवी को सेवा करते हैं ताकि लक्ष्मी देवी जगन्नाथ जी को ये 15 दिन में सेवा कर पाए, इसीलिए ये दैत बन जाते हैं। दैत मतलब प्रिय, जगन्नाथ जी के प्रिय। अगर हम भी जगन्नाथ जी के प्रिय भक्त बनना चाहते हैं तो हमको जगन्नाथ जी के भक्तों की सेवा करना पड़ेगा। जिस तरह दैतापति लोग लक्ष्मी देवी की सेवा किए, इसीलिए लक्ष्मी जगन्नाथ, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सीता राम, मतलब लक्ष्मी, सीता, रुक्मिणी, इनके द्वारा ही हम जगन्नाथ जी को पास पहुंच सकते हैं, कृष्ण के पास पहुंच सकते हैं। भक्तों के द्वारा ही हम जगन्नाथ जी के पास पहुंच सकते हैं। भक्तों के बिना कृपा के हम भगवान की कृपा लाभ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए भक्तों को बहुत प्रेम करना चाहिए। जिस तरह अगर आपको जगन्नाथ जी का कृपा इस रथ यात्रा में चाहिए तो भक्तों को प्रेम कीजिए, भक्तों को सेवा कीजिए, भक्तों को जगन्नाथ जी का प्रसाद बांटिए, और जब भक्त प्रसन्न हो जाएंगे जगन्नाथ प्रसन्न हो जाएंगे। तो एस स्टैंड्स फॉर स्पेशल सर्विस। हाउ लक्ष्मी डज स्पेशल सर्विस, एंड बाय असिस्टिंग लक्ष्मी इन हर स्पेशल सर्विस टू जगन्नाथ वी बिकम डियर टू जगन्नाथ। सो दिस इज एस, एंड द आई स्टैंड्स फॉर इंटीमेट रीजंस फॉर लॉर्ड बिकमिंग सिक। इंटीमेट मतलब गुह्य कारण। जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं क्योंकि जगन्नाथ जी द्वारका कृष्ण है। द्वारका में कृष्ण, द्वारका जगन्नाथपुरी जो है वो द्वारका का प्रतीत है, और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी वृंदावन धाम को याद करते हुए बीमार पड़ जाते हैं। कभी कभी हम जब किसी का याद करते हैं तो हमारा मन खराब हो जाता है, मन खराब हो जाता है तो शरीर भी खराब हो जाता है। तो जगन्नाथ जी वृंदावन की याद कर रहे हैं, एंड द इंटीमेट रीजन ऑफ लॉर्ड फॉलिंग सिक इज ही इज रिमेंबरिंग नंद बाबा, रिमेंबरिंग यशोदा, रिमेंबरिंग द गोपाज एंड द गोपीज, राधा रानी, ललिता ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ वृंदावन धाम। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने एक सुंदर से पंक्ति लिखा है, अष्ट श्लोक लिखा है, जिसका नाम है जगन्नाथ अष्टकम। जगन्नाथ अष्टकम का पहला श्लोक है, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करबो, मुदा भीरी नारी बदन कमला स्वाद मधुपा, रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पादो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी,
भवतु मे। तो आदि शंकराचार्य जगन्नाथ अष्टकम में ये लिखे हैं, सुंदर सी पहला पंक्ति जो श्लोक में लिखते हैं कि कदाचित कालिंद तट, कभी कभी जगन्नाथ जी कालिंद तट में घूमने चले जाते हैं। क्यों घूमने चले जाते हैं? गोपियों की प्रेम और सेवा को आस्वादन करने के। तो ये जो रथ यात्रा महोत्सव है, भगवान बीमार पड़ने का महोत्सव है और उसके बाद रथ यात्रा का महोत्सव है, वो है भगवान द्वारका से वृंदावन जाने का लीला है। तो जब 15 दिन बीमार पड़ जाते हैं, फिर जगन्नाथ जी बोलते हैं, प्रिये लक्ष्मी कितना अच्छा तुम सेवा की, कितना अच्छा सेवा की, तुम अगर नहीं रहती इस बार तो मैं भगवत धाम और मर ही जाता। अब तुमको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए प्रिये, तो हम थोड़ा तीनों 2 दिन में घूम के आते हैं, थोड़ा घूम फिर के थोड़ा लोगों से भक्तों से मिल के आते हैं और इस छल में इस बहाना लेके लक्ष्मी जी से निकल, क्योंकि लक्ष्मी जी क्यों परमिशन देंगे वृंदावन जाने के लिए, और जाएंगे वापस आएंगे कि नहीं पता नहीं। तो लक्ष्मी जी को ऐसे घूम के आने का प्रलोभन दिखा के जगन्नाथ जी नीलाचल, जो जगन्नाथपुरी है, गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जो सुंदराचल या फिर वृंदावन की प्रतीत है। और गुंडीचा मंदिर में जो 8 दिन निवास करते हैं जगन्नाथ जी, वहां पे वृंदावन का वातावरण बनाया जाता है, भगवान वृंदावन विहार करते हैं। द्वारका कृष्ण जगन्नाथ वृंदावन विहार करते हैं और उस वृंदावन विहार का जो उत्सव है उसको रथ यात्रा महोत्सव बोलते हैं। रथ यात्रा महोत्सव मतलब द्वारका कृष्ण को वृंदावन खींच खींच के लेके जाना, जो गोपी लोग भी बहुत साल पहले कुरुक्षेत्र से भगवान को खींच खींच के वृंदावन लेके गए थे। तो ये गुह्य कारण है क्यों भगवान बीमार पड़ते हैं। एक तो भगवान लक्ष्मी देवी को स्पेशल सर्विस देना चाहते हैं, दूसरा है देयर आर इंटीमेट रीजंस वेयर कृष्णा वांट्स टू एंजॉय विद द गोपास एंड द गोपीज। कृष्णा वांट्स टू प्ले विद द गोपास, कृष्णा वांट्स टू डांस विद द गोपीज, कृष्णा वांट्स टू टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स कुक्ड बाय यशोदा नंदा इन वृंदावन धाम। So, ये जो रथ यात्रा महोत्सव है, भगवान को नीलाचल से सुंदराचल लेने का है। सो सेकंड आई, भगवान क्यों बीमार पड़ते हैं, स्टैंड्स फॉर इंटीमेट रीजंस। लॉर्ड वांट्स टू विजिट श्री वृंदावन धाम। इसीलिए रथ यात्रा का जो प्रथम दिन होता है, जब जगन्नाथ जी रथ में चढ़ते हैं, उस दिन जगन्नाथ जी क्या ब्रेकफास्ट खाते हैं? चौमिन पिज्जा पास्ता कुछ नहीं खाते हैं, जगन्नाथ जी पांता भात पखाड़ खा के जाते हैं, जो वृंदावन में खाते हैं। पहले से ही वृंदावन की भावना जगन्नाथ जी चालू कर देते हैं, वृंदावन का ब्रेकफास्ट खा के जगन्नाथ जी निकलते हैं वृंदावन के लिए। जब मैं छोटा था पुरी में, तो हमारे घर में कभी कभी एक दाना चावल आता था, ये जगन्नाथ जी का पखाड़ जो सुबह खाते हैं जगन्नाथ जी रथ यात्रा के दिन में, थोड़ा सा, और उसमें से छोटा छोटा कण करके हम घर वालों में बांटा जाता था और थोड़ा सा हम खाते थे। तो ये है आई इंटीमेट रीजंस, लॉर्ड वांट्स टू विजिट श्री वृंदावन धाम। एंड सी द रीजन फॉर दिस रथ यात्रा एंड स्नान यात्रा महोत्सव, SIC, C stands for compassion। जगन्नाथ जी देखते हैं कि मैं अगर मंदिर में बैठा रहूंगा, कोई आता ही नहीं आजकल मंदिर में। शॉपिंग मॉल में जाते हैं लोग, लोग खरीदने जाते हैं, लेह लद्दाख घूमने जाते हैं, इटली जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, पेरिस जाते हैं, सबके लिए पैसा होता है। और कुछ कुछ लोग तो पूरी जाते हैं समुद्र के किनारे घूम फिर के बीच में चले जाते हैं, मंदिर बिना दर्शन करके वापस चले जाते हैं। इस कितने इस तरह के नमूने हैं, क्योंकि मैं तो पूरी से हूं, मेरे को पता है। कुछ कुछ लोग पूरी गए, हाँ, बहुत अच्छा बीच है स्वामी जी, क्या बीच है, और जगन्नाथ मंदिर ना भीड़ है स्वामी जी, इतना भीड़ में कौन प्रवेश करेगा, बाद में देखते हैं कब जाते हैं। देखो ये सिचुएशन। तो जगन्नाथ जी को कोई दर्शन करने के लिए इतना उतावला नहीं रहता है, भगवान का मंदिर जाना ये सब करना कोई पसंद नहीं करता है। तो भगवान तो कृपा होलिक है, देखिए भगवान जगन्नाथ जी कृपा होलिक है, वो कृपा देने के लिए उतावले रहते हैं। तो पहला विग्रह है
सी स्टैंड्स फॉर कंपैशन, जो अपनी सिंहासन छोड़ के बाहर निकलता है कृपा देने के लिए, क्योंकि लोग मंदिर में नहीं आ रहे हैं, मैं मंदिर के बाहर जाऊंगा लोगों को कृपा देने के लिए। सोचिए, इफ पीपल आर नॉट कमिंग टू माई होम, आई विल गो आउट आउट ऑफ माई वे टू गो एंड गिव माई मर्सी टू पीपल। सो सी स्टैंड्स फॉर कंपैशन ऑफ जगन्नाथ। दिस स्नान यात्रा एंड रथ यात्रा महोत्सव इज डिजाइंड टू हेल्प लॉर्ड गिव हिज मर्सी टू दोज पीपल हु डोंट वॉन्ट टू कम टू टेम्पल। एंड हमने भी देखा है, कलकत्ता में भी हम रथ यात्रा महोत्सव करते हैं, इधर इस्कॉन कलकत्ता में हम देखते हैं कि कितने सारे लोग भगवान से जुड़े इस रथ यात्रा के द्वारा। और जो कोई भी कभी भी मंदिर नहीं आता है, मंदिर आने का जो कार्य है प्रारंभ करता है रथ यात्रा के द्वारा। तो सी स्टैंड्स फॉर कंपैशन एंड के स्टैंड्स फॉर किंगडम ऑफ गॉड। जगन्नाथ जी ऐसे हाथ हाथ एम्ब्रेसिंग पोजीशन में, कभी आपने देखा है भगवान को, कोई भी भगवान को एम्ब्रेसिंग पोजीशन में बैठे हुए, तो जगन्नाथ जी इज इन द पोजीशन ऑफ एम्ब्रेसिंग, बुला रहे हैं हमको, आ जाओ मेरे घर में आ जाओ। तो जगन्नाथ जी का जो पोजीशन है, इट इज टू एम्ब्रेस, टू कॉल ऑल ऑफ अस बैक टू हिज किंगडम। हम इस दुनिया में जितना भी दुख हमको मिल रहा है, इसका कारण है हम भगवान से विच्छेद हो गए। जैसे ही एक जीव आत्मा, हम सब भगवान से विच्छेद हो जाते हैं, हमारे जीवन में केवल दुख और दुख और केवल दुख आता है। और भगवान हम सबको इस लीला के माध्यम से बुला रहे हैं, तुमको लग रहा है मैं आनंद में हूं, तुमको लग रहा है मैं खा रहा हूं अच्छे से, तुमको लग रहा है मैं उत्सव कर रहा हूं, तुमको लग रहा है मैं घूम रहा हूं, Join me, we will enjoy. हम खाएंगे, पिएंगे, मजा करेंगे. Why you are suffering in this world? And by joining the kingdom of God, there are no assignments, there are no targets, there are no deadlines, there are no competitive exams which you have to clear. So think about it again. बट जब तक इस दुनिया में है, आपको एग्जाम्स लिखना पड़ेगा, आप सब स्टूडेंट्स हैं, पर भगवान हमको एग्जाम लेस, टारगेट लेस, डेडलाइन लेस, जॉब लेस, कैश लेस एंड इकोनॉमी लेस एंड वर्क लेस जगत में भगवान के धाम में बुलाने का कोशिश करें। सो ये रथ यात्रा महोत्सव ना खाली भगवान को द्वारका से वृंदावन लेने का कार्य है, हमारे हृदय को वृंदावन वापस, भगवान के धाम वापस लेने का उत्सव है। हम इस जगत में पड़े हुए हैं और ये शरीर को भी रथ कहलाया जाता है। दिस ये जो शरीर है ये भी रथ है, और इस शरीर के अंदर शास्त्र बताता है दो रथी है, रथी मतलब चैरियटियर। तो एक जीवात्मा हम सब, और एक है भगवान परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, और ये शरीर रथ है, और इस शरीर के रथ से भगवान अपने किंगडम जाने का, मनुष्य शरीर जो हमको मिला है, ये मनुष्य शरीर अत्यंत अनुकूल है। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लबम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूले नभास्वतेरितम। निर्देहम, ये जो मनुष्य शरीर है रथ का तुलना किया गया है, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, एक सुलभ बहुत अच्छा रथ के साथ तुलना किया गया है। और ये रथ हमको कहां पे लेके जाएगा, ये रथ हमको भगवान के धाम में लेके जा सकता है। और इस रथ के रथी हम हैं, ये मनुष्य शरीर की रथ है की रथी हम हैं, और एक रथी भी है जो है परमात्मा, भगवान भी हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च। मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूं, सारे शरीर के हृदय में बैठा हुआ, पर समस्या यह है कि हम रथ को चला रहे हैं, हमारे मनुष्य की रथ को हम चला रहे हैं, और भगवान को बैठे हैं, आप बाजू में बैठिए, तमाशा देखिए मैं कैसे रथ चला रहा हूं। और ये रथ यात्रा का महोत्सव है,
कि भगवान को हमारा मनुष्य की रथ की स्टीयरिंग पकड़वाना है और हम पैसेंजर बन जाएं। भगवान जो हमारे रथ की रथी हैं, बस बैठे हुए हैं, देख रहे हैं क्या कर रहा है नालायक श्री निताय दास। तो भगवान को रथी से सारथी बनाना। तो ये रथ यात्रा का महोत्सव है भगवान को रथी, मतलब भगवान पैसेंजर के रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। कैसे श्री निताय दास गाड़ी चला रहा है देखते हैं। तो श्री निताय दास का कार्य है भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करना, हे जगन्नाथ जी मेरे ये शरीर की रथ की आप रथी नहीं बनिए, सारथी बनिए। और जिस तरह अर्जुन ने अपना रथ की सारथी आपको बनाया और आपने उसको विजय दिलवाया, उसी तरह इस मनुष्य जीवन का विजय है अंते नारायण स्मृति, भगवान कृष्ण की याद करना, भगवान कृष्ण के द्वारा परिचालित करके हमारा जीवन परिचालित करना, टू लीव ए लाइफ अकॉर्डिंग टू सैक्रेड डिवाइन प्रिंसिपल्स, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स एंड लॉज लेड डाउन बाय गॉड। एंड वी कैन ओनली ट्राई टू लीव दैट only when we allow Krishna, Jagannath to become charioteer, sarathi of our life. तो ये जगन्नाथ जी रथ यात्रा में हम जगन्नाथ जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान मेरे जीवन का सारथी आप बनिए, मेरे जीवन का सारथी मेरा मन बन गया है, मेरे मन के हिसाब से मैं अपना जीवन चलाता हूँ। मन बोलता है पढ़ाई करना, पढ़ाई करता हूँ। मन बोलता है पढ़ाई नहीं करना, पढ़ाई नहीं करता हूँ। मन बोलता है कि बदमाशी करना, बदमाशी करता हूँ। मन बोलता है फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर चलाना, वो चलाता हूँ। व्हाट्सअप चलाना, व्हाट्सअप चलाता हूँ। मन जो भी बोलता है मैं वही कर रहा हूँ जगन्नाथ स्वामी, मैं परेशान हो गया हूँ इस मन से। इस मन को अपना सारथी बना के आप मेरे रथ की सारथी बनिए। तो ये जगन्नाथ महोत्सव का रथ यात्रा महोत्सव का है। वी प्रे टू जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, मेरे पथ की सारथी बनिए, मेरी जीवन यात्रा की आप सारथी बनिए और सारथी बन के मेरे को अपने धाम में लेके जाइए। So K stands for Kingdom of God. By making Krishna the Sarathi of our life, of our body, of everything that we have, by making Jagannath as the Sarathi, the charioteer of our Rath, we can actually bring positivity in our life. We can also bring prosperity in our life. And we will also go back to His abode in this life. So, ये जो स्नान यात्रा रथ यात्रा का महोत्सव जो 4 तारीख से प्रारंभ हुआ है, इट रिप्रेजेंट्स एस विच इज गिविंग स्पेशल सर्विस टू लक्ष्मी जी, इट रिप्रेजेंट्स आई विच इज इंटीमेट रीजंस वेयर लॉर्ड जगन्नाथ ट्रेवल्स फ्रॉम नीलाचल द्वारका टू सुंदराचल वृंदावन धाम, इट रिप्रेजेंट्स लॉर्ड्स कंपैशन to give to those who do not want to come to his abode, who do not want to come to temple, who do not want to take his mercy. Lord forcibly gives his mercy because Lord is Kripaholic. And K stands for Lord is our prayer to Lord Jagannath in this Rath Yatra to become charioteer of our life. हाँ, ये शरीर एक रथ है, ये रथ यात्रा महोत्सव, ये शरीर एक रथ है शास्त्र बताता है, और जगन्नाथ जी को इस शरीर की रथ की सारथी बनाइए, अपने मन को सारथी नहीं बनाइए। हम हमारे जीवन में मन को सारथी बना के जस्ट डू इट कल्चर चालू किए हैं, जो मन चाहे वो कर, और हमको जस्ट डू इट। इसीलिए हम जब पढ़ाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चे लोग मेरे को ए बी सी डी ई एफ जी पढ़ाए, तो ए बी सी डी ई एफ जी मतलब ए बॉय कैन डू एवरीथिंग फॉर ए गर्ल, तो ये मेरे को सिखाए बच्चे लोग। मैं बोला वाह ये तो बहुत अच्छा है, और मैं बच्चों को सिखाया ए बी सी डी ई एफ जी, ए भक्ता कैन डू एवरीथिंग फॉर गॉड।
तो भगवान के लिए हम भगवान की ये जो हमारा शरीर का रथ भगवान को सारथी बनाइए, भगवान के लिए सब कुछ कीजिए, हमारे जीवन में पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी जरूर आएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय, रथ यात्रा जय महोत्सव की जय। हरे कृष्ण। अरे हरे कृष्णा ब्रो। बोल, हरे कृष्णा। आई होप एवरीवन वाज एबल टू हियर। यस ब्रो, द क्लास वाज वेरी वेरी वंडरफुल। हाँ बच्चों आपको कैसा लगा क्लास? यस सर, बहुत ओके। ऑल राइट। सो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स। हरे कृष्णा। या हाँ ब्रो जी, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, अराउंड 250 पार्टिसिपेंट्स आर देयर। वेरी गुड। द क्लास वाज वेरी मच वंडरफुल ब्रो। आई डोंट नो व्हेन दे कुड आंसर। आपने जैसे एक्सप्लेन किया प्रभु SICK, सो वी वुड लाइक टू थैंक प्रभु जी। हम सब दिल से प्रभु जी का धन्यवाद करना चाहेंगे टू गिव अस द इनसाइट्स ऑफ रथ यात्रा। और इसी के साथ ये क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। विल बी मीटिंग टुमारो वंस अगेन एट 2:15 PM फॉर द नेक्स्ट क्लास, दैट इज अबाउट लॉर्ड जगन्नाथ। एंड जस्ट सेकेंड, फॉर द नेक्स्ट क्लास दैट इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ एंड द ग्लोरीज ऑफ द पुरी धाम। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जय हरे श्री कृष्णा हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा ए भाई।